खमागणी खमागणी, स्वागत है आप सभी का हमारे अखाड़े में, श्री हनुमान अखाड़ा। हमारे बापू साहब की विरासत है मने, और ये विरासत हमारा छोरा हमारा बेटा आगे लेकर जाएगा। हनुमान सिंह का मतलब मेरा एक सपना है, सपना यह है कि हमारा छोरा अपने देश के लिए, भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर लावेगा। तो आज आप सभी के लिए यहां हमारे अखाड़े में एक बहुत ही ऐतिहासिक दंगल होने वाला है, कुश्ती होने वाली है, और ये कुश्ती होगी हमारे छोरे जगत सिंह और हमारे सौतेले भाई जोरावर के बीच। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए है कि नहीं? साथ आशीर्वाद आपका, आशीर्वाद है कि नहीं भाई? हाँ, खम्मा गणी। तो बोलो बजरंग बली की। आ जगत, गोल्ड चाहिए। नीचे से पकड़ जगत, खींच के ध्यान लगा के नीचे से घुस, घुसपट में लेट, ध्यान से आंखों में आंखें डाल, देख घुस, पटक जगत, जगत जगत, क्यों क्या जगत जगत, थारे नाम की छतरी बनाऊंगा धनवा गांव में जगत, थारा एक भी सपना पूरा नहीं होने दूंगा। उठ जगत, जगत को मारा सपना कौन पूरा करेगा? जगत उठ, कौन पूरा करेगा मारा सपना? अरे कसम है, मारी छोरी केसरी नंदन। हुकुम सा, जानो जानो मारा खून है, लेकिन ये कैसे मान लूं कि मारा सपना मारा छोरा नहीं मारी छोरी पूरा करेगी? छोरी छोरों में कोई फर्क को नहीं, मैं हूं केसरी हनुमान सिंह की छोरी। आपको पता है मैं हनुमान जयंती पर पैदा हुई हूं। खाड़े का नाम और केसरी झंडा मैं ऊंचा करूंगी, मैं लाऊंगी इंडिया का पहला गोल्ड मेडल, और वो भी कुश्ती में। मैं हूं केसरी नंदन। थैंक यू। वेल केसरी, आपको हम सबका सलाम। एक बार जोरदार ताली हो जाए केसरी के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन। वेल ऐसा जज्बा अगर हर लड़की में हो तो आंगन से अखाड़े तक की जर्नी मुमकिन है। Well, thank you so much for that wonderful representation. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, once again, it's my pleasure to invite back on the stage, with a round of applause, ladies and gentlemen, Mrs. Neena Jaipur. And the Kesari movement would not have been possible without the six times winner of the World Championship gold with the loudest cheer. Once again, ladies and gentlemen, the magnificent Mary Kom.
वेल मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग इस खेल केसरी मूवमेंट का हिस्सा बने. आई एम स्पीचलेस एंड आई एम श्योर इट्स एन एक्साइटिंग मूवमेंट फॉर ईच वन ऑफ अस हियर. आपने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में परचम किया. सो इफ आई हैव टू आस्क यू विद मैरी कॉम, केसरी नंदन जो शो है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहोगे आप? वेल ये कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा लगा, स्पेशली लड़की लोग को जब टाइम मिलेगा सीरियल टीवी के सामने सीरियल देखना. इवन समटाइम आई ऑल्सो डू दैट एंड आई हैव सीन द स्टोरी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेनी दिस सीरियल रिलेटेड टू family related, you know, romance, boyfriend, girlfriend. तो बहुत सीन देख लिया मैंने. और इस बार ये केसरी नंदन ये related sports में मैं बहुत अच्छा लगा. और it's really, I think it's a good initiative for the upcoming kids, upcoming youth. You know, whenever they see watch this you know, serial, maybe they will be loved too. And this will be more aware to entire you know, nation. बच्चे लोग को मोर अवेयर होगा स्पोर्ट्स में, लड़की लोग को इतना दम है और कर सकते हैं. पहले बहुत लड़की लोग इंक्लूडिंग अस, इंक्लूडिंग पोगट मी एंड अदर गर्ल्स और ऑलरेडी अचीव इन अ बिग कॉम्पिटिशन. इवन इन देयर जर्नी दे हैव ऑलरेडी अचीव many things. तो आगे आने वालों लोग को बच्चों लोग के लिए the inspiration, motivation is I think it's more needed, you know, more needed, indeed need है. तो इसमें मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लगा and I wish that ये future में अच्छा ही होगा. Wish all the very best for the Kesar Nandan wo aane wala hai. To hum log bhi aur khush hoga ki sports mein itna hum log ko you know, ladki log ko support karega to bahut acha lagega. Main ye concept bahut mere liye to bahut special hai. बोला आप दोनों के जुड़ने के बाद खेल केसरी मूवमेंट आई एम श्योर बहुत दूर तक जाएगा. बोल गीता, आपका क्या रिएक्शन था जब चैनल ने आपको अप्रोच किया इसके लिए एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दिस खेल केसरी मूवमेंट? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही प्राउड हो रहा है कि केसरी नंदन शो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहली बार हम टीवी पे सीरियल्स में हम सास बहू देखते हैं और ये पहली बार कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई शो स्टार्ट हो रहा है. और बहुत ही मैं बधाई देती हूँ कलर्स चैनल को कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है इस शो को लेकर के. और दूसरा ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि ये शो मैं रिलेट करती हूँ मेरी लाइफ से, क्योंकि जो केसरी जो है वो भी पहलवान बनना चाहती है, पहलवान की बेटी है और बहुत सारा स्ट्रगल करती है. गांव से, राजस्थान के एक छोटे से गांव से है केसरी भी. और यहाँ पे केसरी को ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसके केसरी के पिता नहीं चाहते कि केसरी पहलवान बने. तो ये मुझे लगता है कि इस शो से जो आने वाले जो चाहे वो लड़कियां हैं या बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या फिर इस शो को देख करके यू नो कि स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और
जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो पेरेंट्स हैं खासकर की उनके जो पेरेंट्स या जो जो भी हमारे समाज के लोग हैं जिनकी मेंटेलिटी है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, सिर्फ लड़के कर सकते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स में ये शो ऐसे स्पोर्ट्स को लेके आ रहा है, तो मुझे लगता है कि लोगों की जरूर इस शो से मानसिकता बदलेगी और एक समाज में एक बदलाव की शुरुआत होगी। और मैं बधाई देती हूँ पूरी कलर्स टीम को इस शो के लिए और उम्मीद करती हूँ कि ये शो बहुत ही आगे जाए, बहुत ही लोग इससे इंस्पायर हों और कमाल का रहे। वेल इंडी, थैंक यू सो मच। और आप दोनों हम सभी के रोल मॉडल्स हैं, जितनी यंग लड़कियां हैं जो आज इंडिया में हैं उनके रोल मॉडल्स आप हो, तो आपकी क्या एडवाइस होगी हमारी जो लड़कियां हैं हु वांट टू गो बिग इन स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो जिनको बड़ा बनना है स्पोर्ट्स में, क्या एडवाइस होगी आप लोग की? मेरा एडवाइस तो मैं क्या एडवाइस दे दूं, खुद मेरे को मेरे एग्जांपल खुद है या एग्जांपल हूँ, एडवाइस की भी जरूरी नहीं है मेरे ख्याल से। जो ये स्टोरी है बहुत यू नो इट्स रियली टच, मैं भी बहुत कनेक्ट हो रहा है मेरा लाइफ से भी। और सच बताऊंगी तो मेरा भी बहुत रिलेटेड है मेरा लाइफ का। मेरे पापा ने भी ऐसे ही था कि बॉक्सिंग की ये मेल डोमिनेटेड है, तो जैसे कि बॉक्सिंग में भी लड़की लोग करना बहुत आसान नहीं था, ये करना आसान नहीं था, तो हम भी ये पार करके फाइट करके मेरे जिंदगी इधर तक ये प्लेटफॉर्म अभी जो मिला हूँ, ये आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ, ये प्लेटफॉर्म अभी तक मैं फाइट करके आया हूँ। मेरा स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब अभी बस बचपन में जब मैं शुरू किया था तब से अभी फाइट, नेवर गिव अप, मैं कभी गिव अप नहीं किया, मैं गिव अप कर लेगा तो मैं आप लोग के सामने मैं अभी खड़ा नहीं हो पाऊंगी। ये रिलेटेड बहुत कनेक्ट हो स्टोरी है, तो क्यों हम लोग भी कर सकता है तो आगे आने वाला बच्चे लोग क्यों नहीं कर पाएगी। और मैंने क्या खास खा लिया और क्या खास ट्रेनिंग कर लिया, ऐसे कुछ नहीं पैदा नहीं हुआ है। आजकल बच्चा लोग भी, मैं पैदा हुआ वैसे या आजकल बच्चा लोग भी वैसे ही पैदा हुआ, लेकिन एक डिफरेंट है कि आजकल बच्चा तो अभी ऐसे पैदा हो के फिर स्मार्टफोन सब पकड़ लेता है, जब हमारा टाइम में स्मार्टफोन भी नहीं है, फोन भी नहीं था, तब तो हम लोग भी अचीव कर पाया, तो आजकल बच्चा लोग क्यों अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये यू नो ये मैसेज है कि हम लोग कर पाएगा तो आप लोग भी कर पाएगा, वही मतलब है। तो एक बार करके दिखाओ अपना देश को और ऊंचा करने के लिए, हम भी कर लिया आप भी कर लो। गीता, आपका मैसेज एंड मैरी कॉम दैट वाज रियली मोटिवेटिंग, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज क्या होगा हमारी? देखिए मैसेज तो मैरी दी ने दे ही दिया है और मैं खुद इनसे इंस्पायर हूँ कि जिस तरह से ये अभी भी देश का नाम रोशन कर रही हैं, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना, मुझे पता है कि कितना मुश्किल कितना हार्डवर्क इसके पीछे होता है, तो ये आसान चीज़ नहीं है। और अगर स्पोर्ट्स में बच्ची आना चाहती हैं तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स ही क्यों, किसी भी फील्ड में मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और अनुशासन में रह के मेहनत करनी पड़ेगी। और
चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें अगर हम सच्चे दिल से अगर हम मेहनत करते हैं और हमारे पेरेंट्स का हमें सपोर्ट मिलता है तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता, और हम हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं. Well, thank you so much once again. Can we have a round of applause for the two champions? And with that, ladies and gentlemen, ab bulate hai hamari nanni Kesari ko with the loudest cheer. Please welcome Kesari. Well, this is the first opportunity, first photo opportunity. You can have our photographers coming. सांसों में मिट्टी की खुशबू, खून में तेरे रवानी, कांटों पर भी चलकर तूने हार कभी ना मानी. वह खेल केसरी की शुरुआत हो गई है. And we thank both the champions who've graced this occasion. Thank you, Kesari, for joining us on stage. Thank you, Geeta. Thank you, Mary, for being a part of the Khel Kesari movement. Thank you so much. All right. Can you welcome Kesari? Kesari, can we have you on the stage? Hanuman Singh. Madhavi, can we have you on the stage? Zoravar, Jagat, Rani Devi, and Bijli, can we guys have you guys coming on the stage?
बनी तुम्हारी जत बादनी तूफानी दाव दुश्मन पर है भारी तन्नदान फते अब तू तो आसमां तक छाई खींच लकीर हथेली पर क्या किस्मत तूने बनाई क्या किस्मत तूने बनाई जान लगा कर जीत दिला कर देश का मान बढ़ाया देख फतेह Thank you so much. एक बार ताली हो जाए मेरा भाई बिगड़ रहा है चुल्ला है ये कोर्स स्पेशली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगा कि चैनल में और सीरियल रिलेटेड फैमिली सास बहू एंड यू नो देयर आर सो मेनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप लेके रोमांस लेके सारे कॉन्सेप्ट देख लिया अभी दिस इज वन ऑफ यू नो वन ऑफ द स्पोर्ट्स रिलेटेड सो वी आर वेरी हैप्पी टू सपोर्ट दिस यू नो केसरी नंदन बहुत अच्छा लगा इट्स
I think it's very, interesting. Also, people might be in love to watch this script. And this must be, I think, those who cannot, what I mean to say that is those who are not much aware in sports, they will be getting more, aware after seeing this serial. After watching this serial, I hope people might be getting more motivation. Even young kids and बच्चे लोग और मेरे ख्याल से इंस्पायर होगा. बहुत सारे तो हमारे उम्र में पीपल आर ऑलरेडी इंस्पायर बाय मी एंड फॉगेट एंड अदर लेजेंड्स यू नो दोस हु डूइंग गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड. सो ये और अच्छा चांस है कि पीपल गेट मोर इंस्पिरेशन. मैंने बता ही दिया इतना तो सबको क्या शो के बारे में और एक्सप्रेशन के बारे में ऐसा. और मैं ये कहूँगी कि बहुत ही प्राउड की बात है कि कलर्स चैनल ने इस शो के माध्यम से खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शो के साथ उस शो का की शुरुआत की है. और उससे जो आने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे या फिर जो लोगों की जो मेंटल भी बनी हुई है कि जो मेरे लड़कियाँ नहीं खेल सकती हैं, लड़कियाँ भी नहीं खेल सकती. हालांकि हमने बहुत कुछ अचीव किया है इस स्पोर्ट्स में, चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे रेसलिंग हो. एंड लेकिन जब ये शो हर घर तक पहुँचेगा तो इससे लोग और जागरूक होंगे और इस स्पोर्ट्स के बारे में जान सकेंगे और ये जान सकेंगे कि बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं है. तो बेटियों को भी आज़ादी देनी चाहिए, बेटियों को भी वो जिस फील्ड में जाने चाहते हैं उस फील्ड में उनको जाने की आज़ादी चाहिए. तो खास करके अगर पेरेंट्स की अगर मेंटालिटी चेंज होती है तो उससे एक बहुत ही बड़ा बदलाव हम समाज में आ सकते हैं. ओके मैम ने जैसे कहा कि ये हमेशा हमने देखा है ये लव स्टोरी सास बहू के सीरियल है, बट ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ये दंगल बेस्ड या फाइटिंग स्पोर्ट्स बेस्ड ये स्पोर्ट्स पे ये शो कैन वी से इट्स इन अ न्यू रिवॉल्यूशन इन टीवी सीरियल. यस बिल्कुल, हम कह सकते हैं एक बहुत ही प्राउड की बात है कि पहली बार टीवी पे ये सीरियल्स के माध्यम से ऐसा शो की शुरुआत हुई है. और मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को जरूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समाज में बदलाव है बहुत इस शो से बहुत कुछ बदलेगा. मेरा जब दंगल रिलीज हुई तो आपको उससे रिस्पॉन्स आया था ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे आपको लगता है गांव के लोग जो टिपिकल जो गांव है वहां के लोगों में कोई बदलाव आएंगे? देखिए बिल्कुल बदलाव मैं 3-4 सालों में अगर मैं देखूँ तो उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव है, चाहे वो दंगल फिल्म हो, चाहे मैंने दी फिल्म या फिर जो लड़कियाँ स्पोर्ट्स में जो अचीव करती हैं, चाहे ओलंपिक में हमारे दो मेडल वो भी लड़कियों के मेडल मेरी जी ने 6 बार वर्ल्ड चैम्पियन. सो बहुत बड़ा एग्जांपल है लोगों के सामने और इन सब एग्जांपल्स की वजह से इन सब लोगों क्योंकि मुझे पता है कि जब हमने किसी की शुरुआत की थी तो मेरे पिता ने देखा था कि 2000 में कौन मिले हुए जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, टी वी के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा कि ये भी तो बेटी है और ये भी तो देश के लिए मेडल जीत रही है. तो वहाँ से मेरे पिता ने सोच बना कर मेरे को लगाया. तो वहाँ से एक मेडल से उन्होंने हमें 6 बेटियों को तैयार किया. इतने सारे लोग अभी देखेंगे बेटियाँ, इतना चक्कर है स्पोर्ट्स में और अभी शो आ रहा है तो ये हर घर तक पहुँचेगा. तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमें देखने में लगती है लेकिन ये समाज को बहुत बड़ा आईना देती है जिससे समाज को मानसिक का बदलने बहुत फायदा है. वहीं पर कई बार सेलिब्रिटीज इस तरह के स्टेटमेंट भी सुनने को मिलते हैं कि देश में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, देश में उन्हें डर लगता है, उस पर क्या कहेंगे? अगर आपने नजीर साहब का स्टेटमेंट सुना होगा. मुझे नहीं पता कि हर लोगों की हर इंसान की सोच अलग होती है और न
कल्चर ही अलग होता है, लेकिन जरूर ये कभी कभी खास कर महिलाओं के लिए सुरक्षित, हम बोलते हैं कि हमारे देश में इतना सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि बोलने से नहीं, हमें हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, जिससे कानून सख्त होगा तो लोग उससे, क्योंकि लोग कानून से डरते हैं, और अगर कानून सख्त होंगे तो उससे महिलाओं की सुरक्षा में मैं कहूँगी कि हम सुरक्षित और अच्छे से रह सकेंगे। और बस इतना ही कहती हूँ कि समाज अगर महिलाओं के लिए, गवर्नमेंट अगर सख्त कानून बनाती है तो और भी बेहतर रहेगा, और महिलाओं को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को कमज़ोर महसूस होने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे साथ गप होती है तो खुल के हमें सामने आना चाहिए, खुल के उसका विरोध करना चाहिए, बोलना चाहिए उसको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट इज़ ग्रेट है ना, पहला शो बना है और कब से बनना चाहिए था, बहुत पहले बनना चाहिए था ये शो, और ये शो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर बेस्ड नहीं है, दिस शो इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लिब्रेशन ऑफ गर्ल्स, है ना, कि लड़कियों को कैसे बड़ा किया जा सकता है और कैसे उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो ये शो वो भी है, फादर डॉटर रिलेशनशिप का है, माँ बेटी का है, सो इस शो में बहुत सारे रस अलग अलग से हैं, सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ न्यू शो एंड इट्स अ फ्रेश वेव ऑफ टीवी आई थिंक। मैरी कॉम से अभी हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो सीरियस एक रिवॉल्यूशन आएगा एक टीवी में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेगी? बिल्कुल, आई थिंक ये शो ऐसा है जो कि एक नई सोच विचारधारा को यू नो जन्म देगा, और जो गाँव खेड़े में बहुत सारे अभी भी जगह है जहाँ पर लोग अपनी बेटियों को सिर्फ रेसलिंग के नहीं, किसी भी स्पोर्ट के लिए इतना इनकरेज नहीं करते हैं ना, तो आई थिंक वो भी बहुत काबिल होती है ये बताने के लिए ये शो बना हुआ है। आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। हनुमंत सिंह रेसलर हैं, कभी हारा नहीं है, और उसको गुरूर है अपने अखाड़े पर, अपनी लीनेज पर, है ना, अपनी परंपरा पर कि जीतता आया है अपने बाप दादा के ज़माने से, और अब वो चाहता है कि अपना बेटा ले, लेकिन इस वक्त उसके जीवन में ये कश्मकश है कि बेटी आ गई हैं और बेटियाँ इस परंपरा को आगे नहीं ले जा सकती, तो वो कश्मकश है। ओके सर, ये शो के अलावा आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है उसके बारे में भी बहुत बातें हो रही है, तो कितना मुश्किल था? कठिन था, दिन में अखाड़ा में जाना, फिर जिम भी करना, डाइट का ध्यान रखना, 8 घंटे सोना, सब कुछ बहुत मुश्किल था विद द शूट्स, लेकिन आई थिंक ये ऐसे कैरेक्टर्स कम बनते हैं, तो इसके लिए फिर वन हैज़ टू फाइट अ लिटिल हार्ड। ओके, इन्जॉय तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे राजस्थानी कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरे लिए ये कैरेक्टर, ये शो बहुत स्पेशल है, और एक्साइटेड ऑब्वियसली हूँ, क्योंकि एक बहुत अलग चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, और जो फर्स्ट लुक लोगों को पसंद आ रहा है, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि कब लॉन्च होगा है, कब लोग देखेंगे, सो या वी आर वेरी एक्साइटेड। जब प्रोमो भी लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोगों ने उसे सराहा था, काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को, और जब ऐसे कोई सीरियल आते हैं तो लोग उस चीज़ से काफ़ी उत्साहित हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब शो का प्रोमो लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोगों ने ये बोला कि अच्छा वुमेन स्पोर्ट्स के बारे में हम आ रहे हैं, पर हमारा शो सिर्फ कुश्ती नहीं है, सिर्फ कुश्ती नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने शो में दिखाए हैं, जो आप शो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, तो अभी तक का टच वुड फीडबैक अच्छा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, सो आई होप ऐसा ही आगे भी हो। जैसे आपने बोला कि सिर्फ कुश्ती ही नहीं है और हाँ, भी कुछ है, तो जैसे अभी हम भी जानते हैं कि आप खुद एक राजस्थान से बिलोंग करते, तो इस कैरेक्टर को लेकर कितना प्रिपेयर किया? मैंने जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो था कि आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ मदर, तो वो मेरे लिए वो जो इमोशंस हैं वो बहुत नए हैं, क्योंकि इन रियल लाइफ आई डोंट नो हाउ इट इज़, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, एंड इन रियल लाइफ मैं बहुत मस्तीखोर हूँ, तो अभी वो जो है ना वो एकदम शांत ठहराव लाना कैरेक्टर में, तो आई एम स्टिल लर्निंग, कई बार ऐसा होता है कि मैं वो चीज़ मिस आउट कर देती हूँ, तो फिर मुझे डायरेक्टर बोलते हैं कि यू नो ऐसा है, सो या आई एम स्टिल लर्निंग। लाइक आई सेड मैं बहुत मस्ती खोर हूँ, तो मुझे ना लोगों को मारने में बड़ा मज़ा आता है, तो दो माय कैरेक्टर इज़ लाइक दिस, पर मैं किक बॉक्सिंग करती रहती हूँ, मैं पंच मारती रहती हूँ, आए दिन अपने आप को चोटें लगवाती हूँ, तो कुश्ती नहीं करती हूँ, बट कुश्ती जैसी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, हर दिन करती हूँ। ओके, सो लास्ट अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहूँगी? मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हम एक बहुत ही प्यारा सा शो लेकर आ रहे हैं केसरी नंदन, जो कि कलर्स पे आएगा 8:30
फर्स्ट जैन से हम आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें देखिएगा और हमारे लिए आप दिल से अगर दुआ कर सकते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है। और ये शो ना सिर्फ एक डेली सोप नहीं है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप देखिए, लोगों को बोलिए कि देखें, प्लीज़ देखिएगा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप थैंक यू, एक्साइटेड है आपका जो शो आ रहा है न्यू केसरी रंग? मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ, और ये मेरा फर्स्ट शो है और ये मेरा पहला शो है जिसमें मैं लीड प्ले कर रही हूँ, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि ये शो सुपर डुपर हिट जाए, और ये नया शो है और वो भी कॉन्टिलो प्रोडक्शन से। मैं थैंक करना चाहती हूँ कलर्स टीवी को कि उन्होंने मुझे वापस से लिया, और मैंने चारों के चारों शो मैंने कलर्स पर ही किए हैं, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कॉन्टिलो प्रोडक्शन को। ओके, आप मैरी कॉम की और गीता फोगाट की फैन रह चुकी है, आपने अभी जस्ट मिली है, तो कैसे है, कैसा था फीलिंग? मतलब जैसे अभी नहीं मिली हूँ आज, मैं कल भी मिली थी, तो जब मैं कल उनके साथ शूट कर रही थी, उनने मुझे इतना कंफर्टेबल बनाया, इसलिए कि मैं अपने सिबलिंग के साथ शूट कर रही हूँ, उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल बनाया और इतने फ्रेंडली थे, बहुत हम्बल थे वो, हमसे आराम से बैठ के बातें कर रहे थे, एंड वी आर हैविंग फन। ओके, मानव सर और आस्था जी ने कोई टिप्स दी या कैसे रहा आपका बॉन्डिंग उनके साथ? बहुत अच्छा रहा है, और जब भी हमें ब्रेक मिलता है मस्तियाँ करते रहते हैं। ओके, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आपके व्यूअर्स को, फर्स्ट जैन को आपकी मुहारी से? मैं कहना चाहूँगी कि ये मिस ना करें सीरियल, बिकॉज इट हैज़ अ रियली डिफरेंट स्टोरी, वो दूसरे के दिन ये सास बहू ये वो हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, सो थैंक यू, वेलकम।